सो हेलो व्यूअर्स, आज आपके लिए लाए हैं, ये देख सकते हैं, हाइनस CB350। ये नया मॉडल है E20 का, और ये जो गाड़ी है 3000 पूरा कंप्लीट है टोटली। और मेरे पास है इस गाड़ी का ओनर। सर आपका नाम? सुप्रकाश पाल। ओके, तो ये गाड़ी आपने कब खरीदे थे? मैं ये गाड़ी लिया 28 मई 2023। ओके, तो अभी तक आपने लॉन्ग राइड किया? हाँ, इसमें से मैं एक बार ताजपुर गया और दूसरा राइड मालदा किया, जो 400-800 किलोमीटर ड्राइव था। अच्छा अच्छा, तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव जब किया था, मतलब कंफर्ट के बारे में आप क्या बोलेंगे? कंफर्ट तो बढ़िया है, क्योंकि मैं 800 किलोमीटर राइड किया, वो भी दो दिन में, क्योंकि मैं ग्रुप के साथ मालदा के लिए निकला सैटरडे को सुबह 3 बजे, और संडे को रात तक हम लोग कोलकाता वापस आया। तो विद इन ऑलमोस्ट 40 आवर्स वी हैव ड्राइव 800 किलोमीटर, एंड दिस बाइक परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, एंड एक्सीलरेशन, इसका जो टॉर्क है, इंजन बहुत टॉर्की है, 30 Nm टॉर्क है, तो कूलिंग एकदम बहुत अच्छा है। तो मैं विथ पिलियन मैंने राइड किया था 800 किलोमीटर, तो इट्स अ जस्ट एफर्टलेस ड्राइविंग, एंड वी हैव सपोज टू ड्राइव इन एवरेज स्पीड ऑफ 90 to 110। तो जब आप हाई रोड में 90 या 100 पे क्रूजिंग कर रहे थे, उस टाइम में गाड़ी में कोई वाइब्रेशन और कुछ? 110 तक कोई वाइब्रेशन नहीं फीला, मैं तो 110 ही तक चलाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, इसीलिए मैंने 110 का बाद भगाया नहीं गाड़ी को। अच्छा, बट बाइक वॉज टोटली स्टेबल। अच्छा अच्छा, टोटली स्टेबल, नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी एकदम नहीं है। ओके ओके, कभी टॉप स्पीड अचीव किया है गाड़ी में? 110 तक अभी तक मैं चला है, उसके बाद चलाने का अभी नहीं मिला। ओके ओके, अपॉर्चुनिटी नहीं। और हाईवे में माइलेज क्या क्या मिल रहा है आपको? हाईवे में तो मेरा जो एवरेज 35-38 दे रहा है। ओके, और जो पिलियन सीट है वो तो सॉफ्ट है, तो पिलियन का क्या कंफर्ट है? आप तो पिलियन राइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सीट बहुत कंफर्टेबल है, और मैं थोड़ा हेवी वेट हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा शॉकर को और एक स्टेप ज़्यादा इसको ये किया, हार्ड किया। अच्छा, तो ये आप टूरिंग के लिए पूरा कस्टमाइज किया है, तो ये कितने का पड़ा? ये तो 5000 का इसका प्राइस है, लेकिन मैं ऑफर में लिया था, तो तब हमको 800 रुपया कम लगा। अच्छा, तो ये कौन सा कंपनी है? ये JDR का है। JDR का है ये, पीछे ये लाइट ब्लिंक करता है ना? हाँ। और कितना लीटर का है ये? 45 लीटर का है। 45 लीटर का, ओके। और ये जो हैंड गार्ड, ये मतलब कंपनी फिटेड था? ये सब मेरा जो एक्सेसरीज यहाँ पर लगा हुआ है, एवरीथिंग इज कंपनी फिटेड एक्सेप्ट माय कैरियर। ओके, तो ये एक्स्ट्रा? हाँ, नहीं, ओ अच्छा, ये बोला। ओके, ये बैक्स, ये भी कंपनी का है, ये कंपनी फिटेड, ये जिस पे फिट है ये कस्टमाइज है, वेलिंगटन से कस्टमाइज। ओके ओके, और ये चीज कंपनी से? स्टार्टर्स का है। ओके, और गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यूअल चैनल ABS है, और सबसे ज़्यादा है इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, थ्रॉटल कंट्रोल है। अच्छा, वो ट्रैक्शन कंट्रोल? ट्रैक्शन कंट्रोल सर, ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो उसमें तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज होता है। हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब है गाड़ी ऑलवेज फील स्टेबल ऑन दिस बाइक एट ए व्हेन यू आर क्रूजिंग एट ए स्पीड ऑफ 100-110 और मोर, सो बाइक विल नेवर गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो आप मुझे 3 कॉन्स बताइए इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी में कॉन्स तो हमको अभी तक नहीं मिला, लेकिन इसका जो दूसरा बाइक चला के ये बाइक चलाएंगे, इसके साथ इसका इंजन है लॉन्ग रेशियो इंजन, लॉन्ग गियर, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। अच्छा, तो इसका साथ एकम स्टैंड, इस बाइक का कैरेक्टर को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रोक जो बाइक होता है उसका गियर शिफ्टिंग थोड़ा अलग होता है, रेशियो अलग होता है, स्पीड रेशियो अलग होता है। तो जब आप इसका साथ 1 महीने के अंदर आप एकम स्टैंड हो जाओगे, उसका बाद आपको बढ़िया लगेगा। और एक बात होता है, जब मुझे एक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन बाद में मैं उसका कैरेक्टर समझ के उसको एडजस्ट कर लिया, तो जब मैं 190 का ऊपर स्पीड में था, तो गियर शिफ्टिंग में थोड़ा गियर फॉल्स खा रहा था, मतलब 90 के 120 में जाता। हाँ, जब मैं गियर मार रहा हूँ लेकिन गियर पड़ नहीं रहा है। अच्छा, उसका बाद मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि ये
जो इसका जो गियर सिस्टम है ये चेंज हाई स्पीड में जब आप चेंज करोगे तुम आपको क्लच माने क्लच पकड़ के आप जब एक के बाद एक गियर चेंज नहीं कर पाओगे आपको क्लच छोड़ना पड़ेगा छोड़ के पुल करना पड़ेगा उसके बाद वो आराम से वो स्लीपर क्लच है ना इसमें। हाँ स्लीपर क्लच माने क्लच बहुत स्मूथ है तो एक अंगुल से आप खींच सकते हो। लोग रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक छोड़ के ये गाड़ी क्यों लेगा, मतलब डिफरेंट क्या है दोनों गाड़ी में? डिफरेंस ये है इसका इंजन बहुत टॉर्क किया है रॉयल इंजन का, रॉयल एनफील्ड का जो मीटियोर है अभी जो हाल ही में लॉन्च किया जे सीरीज इंजन के साथ उसका 4,500 RPM पे वो 27 NM टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन ये इंजन 3000 RPM में मतलब लो RPM में ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है 30, इस कार का पुलिंग पावर बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, और नाइट का इसका हेडलाइट का थ्रो क्या है? हेडलाइट का थ्रो सेटिस्फैक्टरी नहीं है इसीलिए मैंने फॉग लाइट लगाया। अच्छा, अलग से क्योंकि हाईवे में आपको दिक्कत होगा। अच्छा, इसका जो एलईडी लाइट है इट्स नॉट सफिशिएंट ऑन द हाईवे, सिटी ड्राइव के लिए ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हाईवे में जाओगे आपको फॉग लाइट अलग से लगाना पड़ेगा, मतलब लाइट उतना अच्छा नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं सिटी में कम चल जाएगा, ठीक है जहाँ पर लाइट है वहाँ पर कम चलेगा, जहाँ पर जीरो लाइट है वहाँ पर दिक्कत होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, और गाड़ी का सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है आपको? ये तो लगभग इन लोगों का तो 700 रुपया का आसपास ही, इन लोग 2 लीटर सिंथेटिक ऑयल इसको लगता है तो 700 रुपया का लीटर करके ले 1450 रुपया आपका इंजन ऑयल में लाएगा, और फ्री सर्विस तो फ्री है, हमारा अभी तो फ्री सर्विस में ही चल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, कोई इंजन ऑयल का ही पैसा देना पड़ता है। ओके, फर्स्ट सर्विस ऑयल और जो ऑयल फिल्टर जो है। हाँ बस मतलब वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, 1600-1700 रुपया में हो जाता है, हो जाएगा तो ये फ्री सर्विस था। वो पेड सर्विस में अभी तक मैं गया नहीं, बोल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, और गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ वगैरह कुछ इसमें? नहीं नहीं कुछ तो मैंने नॉइज़ कुछ भी नहीं किया। ओके ठीक है, इसका ड्यूल है, ये टॉप मॉडल है, इसमें ड्यूल हॉर्न का साथ आता है। ड्यूल हॉर्न है? हाँ, ये जो हॉर्न है ना, ड्यूल हॉर्न है इसका, तो ये ड्यूल हॉर्न से टॉप मॉडल में ही है। अच्छा, ड्यूल एक्स क्रोम में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इसमें डबल स्टैंड भी मिलता है सर? इसका डबल स्टैंड का साथ आता है। अच्छा अच्छा, और मतलब टायर का ग्रिप क्या है? ठीक है, मुझे अभी तो मेरा बाइक नया है तो आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम विद दिस टायर। ठीक है, और ये विंडशील्ड ठीक ठाक काम करता है इसमें? हाँ, मतलब एक्स्ट्रा लगाने का जरूरत मतलब भी नहीं है? हाईवे नहीं, ये कंपनी का साथ नहीं है, ये ओके, अलग से लगा एक्सेसरीज में है। अच्छा अच्छा, ये कंपनी एक्सेसरीज है लेकिन अलग से फिट करना पड़ेगा, बाइक का साथ कुछ नहीं है वो मेरा जब जो ये सब कुछ अलग से। ओके ओके, ये साइड जो गार्ड जो है सब अलग से, ये होंडा का ओरिजिनल गार्ड है और लाइट मैंने 8GG का लगाया है, ये इसका लाइट बहुत, सस्पेंशन भी ठीक ठाक काम करता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू, आपका जो गाड़ी का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करने के लिए थैंक यू। तो अगर आप लोगों को कुछ गाड़ी का बारे में जानना चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं सर से बात करके आपको आंसर दे दूंगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है गाड़ी को खरीद के, मतलब आप खरीदने जा रहे हैं कन्फ्यूज़न है क्या बुलेट खरीदेंगे क्या ये गाड़ी क्या नहीं है नहीं है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बुलेट खरीदना चाहते हैं लोगों से मैं एक बार बात करूं जे, आप किसी का बात मत सुनिए, आप दोनों का राइड लीजिए। ओके, आप टेस्ट राइड, आपको फर्क ऐसे ही, और कम से कम 5 किलोमीटर मिनिमम चलाना, 5-7 किलोमीटर चलाना, होंडा कोई ये नहीं देता, आपको खुद समझ में आ जाएगा जो इंजन का डिफरेंस क्या है। ठीक, सही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, बाय।